आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फॉर अ गिवन वैल्यूज ऑफ पी एंड एम, रेजोनेंस लेंथ इन द विंटर इज x1 सेंटीमीटर एंड इन द समर इज x2 सेंटीमीटर। तब हमें बताना है कि रेजोनेंस लेंथ जो है वो विंटर में ज़्यादा होती है या समर्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है कि x1 बराबर होती है, बड़ी होती है या छोटी होती है, या हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस लेंथ होती क्या है। तो रेजोनेंस लेंथ क्या होता है कि रेजोनेंस लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, हम एयर कॉलम की बात कर रहे हैं, ऑफ द एयर कॉलम इन द रेजोनेंस ट्यूब। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है नोन एज रेजोनेंस ट्यूब, उसकी हेल्प से हम रेजोनेंस लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो रेजोनेंस ट्यूब इज, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2n+1 मल्टीप्लाई बाय 4 लैम्डा, जिसमें से जो ये लैम्डा है ये हमारा है वेवलेंथ और जो एन है ये कोई भी एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि टी और एम के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि x1 और x2 में क्या रिलेशन है, इक्वल है, स्मॉलर है या बिगर है। तो इसके लिए हमारे पास एक अनदर रिलेशन है कि जो एन होता है इट इज़ इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा। तो अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी और एम निकालने के लिए आ जाएगा 1/2L अंडर द रूट टी बाय एम। अब हमें बता रखा है कि x2 जो है वो समर्स के लिए है, दोनों सेंटीमीटर्स में, और x1 जो है वो विंटर्स के लिए है। तो हमें पता है कि जो x2 होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, x2 इज मोर, क्योंकि समर्स में क्या है कि जो v है, तो समर्स में क्या होता है, v इज मोर इन समर्स, कि कौन सी केस के लिए, समर्स के लिए। तो अगर v ज़्यादा है इस वजह से क्या होगा, जो रेजोनेंस लेंथ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर रेजोनेंस लेंथ ज़्यादा होगी तो अगर ये एल ज़्यादा है इसका मतलब कि जो हमारा x2 है वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 इज ग्रेटर देन x1, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है ये वाली, n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। अब हमें पता है कि जो समर्स में क्या होता है कि जो v होता है वो ग्रेटर होता है, तो अगर v ग्रेटर है इसका मतलब l ज़्यादा है, और l ज़्यादा है तो मतलब x2 की वैल्यू समर्स में ज़्यादा होगी। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, दैट इज x2 इज ग्रेटर देन x1, तो वो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।